कर्मियों को लगाई गई। मथुरा के चमुआ स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीन की प्रक्रिया पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू की गई, जिस संबंध में चमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए गए, जिनमें डॉक्टर, ANM, फार्मासिस्ट, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। वैक्सीन का टीका उन्हीं 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया जिनको फोन पर मैसेज आया है। टीकाकरण से पूर्व सभी स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान के रूप में संबंधित ID चेक की गई, जिसके बाद टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद ही उन्हें टीकाकरण कक्ष में प्रवेश दिया गया। टीका लगाने के बाद उनका नाम कोविड ऐप पर अपलोड किया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड नामक कंपनी की वैक्सीन का टीका लगाया गया है। कोविड वैक्सीन का पहला टीका नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर भगत सिंह को लगाया गया। डॉक्टर भगत सिंह ने बताया कि टीका लगने के बाद उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, एक आसान प्रक्रिया के तहत उन्हें टीका लगाया गया। दूसरा टीका स्टाफ नर्स चंचल शर्मा के लगाया गया, जिन्होंने बताया कि वे कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाकर काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। समय आने पर इस टीके को सभी को लगवाया जाएगा। तीसरा टीका ANM चंचल पचौरी को लगवाया गया। उन्होंने बताया कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में उनका नंबर आया है, इसलिए वैक्सीन का टीका लगवाकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सही समय आने पर टीकाकरण जरूर करवाएं। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। ये क्या नाम आपका? चंचल शर्मा। आप कौन से विभाग में कार्यरत हैं? स्टाफ नर्स JSY। आज आपको कोरोना वैक्सीन का टीका जो लगाया गया है, ये कौन सी कंपनी का टीका आपने लिया है? कोविड शील्ड। तो आप कैसा महसूस करते हैं टीका लगवाने के बाद? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण के संबंध में? ये सबको लगवाना चाहिए। हाँ जी सर, हेलो। कोविड का वैक्सीन जो बना है। चंचल शर्मा नाम है? हाँ। क्या नाम आपका? चंचल पचौरी। आप किस विभाग में कार्यरत हैं? स्वास्थ्य विभाग में ANM पद। आज आपको कोरोना वैक्सीन का टीका लगा है? हाँ जी। कितनी देर हो गई लगे हुए? 15 मिनट करीब हो गए। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बढ़िया, सही है मेरा तो कुछ। क्या कहना चाहेंगे आप टीके को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को टीका लगवाना चाहिए। अच्छी बात है, कोरोना का टीका बहुत अच्छा है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने भी लगवाया है। अगला टीका लगाने के लिए कब बोला गया? 28 दिन बाद के लिए। 28 दिन बाद। जी सर, क्या नाम आपका? भगत सिंह। ये बताइए, आपको आज मतलब कोरोना का पहला टीका लगाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि ये टीका सभी को लगवाना चाहिए, जिससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है वो पूरा हो सके, देश का भला हो, यही संदेश देना चाहेंगे। अच्छा, आज कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? आज पूरे भारत में कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन लॉन्च की गई है। इसी क्रम में आज हमारे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में कई सेशन साइट्स हम लोगों ने चुनी है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग हुई है। उसमें एक हमारे CHC चौमा की भी साइट है, और पूरे मथुरा जिले में लगभग 6 ऐसी सेशन साइट्स का चयन किया गया है, जिसमें KM मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल रामकिशन हॉस्पिटल, KD मेडिकल कॉलेज, CHC चौमुहा और CHC गोवर्धन का चयन किया गया। उसी के अंतर्गत इसकी पूरी प्लानिंग की गई। प्लानिंग में लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों को चुना गया हर सेशन साइट के लिए, उसका कोविड पोर्टल से लिंकेज किया गया, और उसके बाद आज इस सेशन साइट्स पर उन सभी को बुला के उनका टीका लगाया जा रहा है। क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? प्रक्रिया पूरी जो शासन स्तर से हमें गाइडलाइंस मिली हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बताए गए, वो सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हम आज इस टीकाकरण को करवा रहे हैं। जैसे कि शासन ने बताया था कि इस पूरे एरिया को हमें अलग से चिन्हित करना है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और अलग जितनी भी हमने चिन्हित करी हैं साइट्स उन सभी पर। उसी के अंतर्गत हमने 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए, एक वेटिंग एरिया बनाया है, एक टीकाकरण स्थल बनाया है, और उसके बाद हमने उसका एक ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया है।
हर स्वास्थ्यकर्मी अपनी आईडी लेके आएगा और शासन स्तर से कोविड पोर्टल से ही उनके पास एक पर्सनल मैसेज पहुंचा है, उस मैसेज को दिखा के अपनी एंट्री करेगा और एंट्री करने के पश्चात अपना टीकाकरण करने के बाद लगभग 30 मिनट तक हम उसे रोक कर उसके ऊपर निगरानी रखेंगे कि कहीं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। आज कितने लोगों का टीकाकरण होना है? आज हमारे सेशन साइट पर लगभग 100 लोगों का टीकाकरण होना है, सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं। मथुरा के गोवा